अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर और आज का हमारा लेक्चर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इससे पहले हमने रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ रखा है, जिसमें हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट अ चार्ज ऑन एटम्स इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम के ऊपर चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और आज हमने पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिफोर दिस के हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ जाएं, हम सारा सोडियम और क्लोरीन को डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी पीरियाडिक टेबल में पोजीशन क्या है। अगर आप देखें तो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7 से। सिचुएशन कुछ यूं है कि सोडियम जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने को प्रेफर करता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके इनर सेल्स फिल्ड उसके जल्दी हो जाते हैं, यानी उसको इनर सेल फिल्ड की कंडीशन स्टेबल कंडीशन एक इलेक्ट्रॉन लॉस से मिल जाती है। ठीक है, वेरी सुन, बजाय इसके कि वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांगता फिर ओके टूल कंप्लीट करने के लिए, वो क्या कर लेता, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इनर शेल फिल कर लेता है। ठीक, यानी सिचुएशन इसकी पीरियोडिक टेबल में 281 की है जो आपको नजर आ रहा है। इसी तरह क्लोरीन को देख लें, तो क्लोरीन को अगर आप देखें तो क्लोरीन में सिचुएशन ऐसी है कि ये करता है 287 की पोजीशन। तो देखिए दोनों की केमिस्ट्री कैसे मैच करती है, यहाँ पे इसको एक जरूरत एक लॉस करने वाला है, सुने इसको एक जरूरत एक लॉस करने वाला है। ठीक, तो मैंने बोला था कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन होते हैं, ऑक्सीडाइज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, रिड्यूस्ड। फिर मैंने दो चीजें बताई थी, यहां उसको रिवाइज कर लेते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो कैटेगरी है यहां पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बोला था ऑक्सीडाइज्ड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोला था रिड्यूस्ड। और यहां पे एक और चीज हम बात करेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडाइज्ड, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है रिड्यूस्ड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है रिड्यूस्ड। समझ आ गई यहां तक बात। ये तो हमने पुराना रिवाइज किया कि जो हमने बोला था कि ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है और रिड्यूस्ड कौन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडाइज्ड, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपके पास रिड्यूस्ड। ठीक है जी, अच्छा तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोडियम की, तो इन्हें मैंने जैसे आपसे कहा कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, यानी सोडियम Na +1 +1 e को लॉस करता है और अपने ऊपर प्लस का चार्ज लेके आता है, और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- का चार्ज अपने ऊपर लेकर आता है। ठीक है जी, अब जब हम सोडियम क्लोराइड का प्रॉपर अगर रिएक्शन डिस्कस करें, सोडियम क्लोराइड का अगर प्रॉपर रिएक्शन डिस्कस किया जाए तो क्या होता है, सुनिएगा, Na +Cl इक्वल टू NaCl। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट रूल, इन अ फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज जीरो। अगर आपको याद हो रूल ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा था हमने कि फ्री स्टेट जस्ट लाइक अ सोडियम यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेने वाले हैं जीरो, बिकॉज ये अनकम्बाइंड स्टेट है, फ्री स्टेट है। ठीक है, ये ले लिया जीरो। अब हमने कहा था कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो उनका चार्ज होता है। तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, +1, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है, -1, तो ये आएगा जी +1, ये आएगा जी -1। तो अगर हम सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सोडियम जा रहा है 0 से +1 की तरफ, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। क्लोरीन जा रहा है 0 से -1 की तरफ, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इंक्रीज है, और ये रहा डिक्रीज। और से मेरी बात सुनना, अब क्या है कि
क्लोरीन जो यहाँ पे है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो सोडियम को फोर्स कर रहा है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोरीन सोडियम को फोर्स कर रहा है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करो। एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोरीन को फोर्स करेगा कि तुम मेरा वो इलेक्ट्रॉन जो मैं लॉस कर चुका हूं वो गेन करो। केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, क्लोरीन इसको लॉस करने पे मजबूर कर रहा है और सोडियम इसको गेन करने पे फोर्स कर रहा है। तो अगर सोडियम इसको क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है, तो सोडियम कौन होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सोडियम क्लोरीन को कह रहा है कि तुम इलेक्ट्रॉन गेन करो, लेकिन सोडियम खुद रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। कैसे? बताया ना कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। दो तरह से आपने प्रूफ देख लिया, एक तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, जीरो से प्लस वन की तरफ जा रहा है ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो भी ऑक्सीडाइज्ड। तो ये रहा ऑक्सीडाइज्ड सोडियम, यहां हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन को अगर देखा जाए तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये हो रहा है यहां पे रिड्यूस्ड। यार मैं ये कह रहा हूं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर सोडियम इटसेल्फ तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन क्लोरीन को रिड्यूस होने पे मजबूर कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो सोडियम इस रिएक्शन के अंदर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं अगर ये कहूं कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एलिमेंट बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरे को रिड्यूस कर रहा हो, तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हो रहा हो और दूसरे को फोर्स कर रहा हो ऑक्सीडाइज होने पे, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? जो ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो? बात गौर से समझो कि ये जो रिड्यूस हो रहा है, इसने इसको फोर्स किया है तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी इसने इसको ऑक्सीडाइज होने पे मजबूर किया है, तो ये तब ही बना है रिड्यूस्ड होने के बाद, ये तब ही बना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक, ये बात समझ आ गई। इसी तरह सोडियम ने क्लोरीन को कहा कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, फोर्स किया कि इस इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कौन? रिड्यूस, यानी इसने इसको क्लोरीन को रिड्यूसिंग एजेंट बनाया, ठीक है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक पे बताऊं तो बड़ा आसान, किसी केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा हो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन बता दिया कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज होने पे मजबूर करता है और दूसरा उसको रिड्यूस होने पे, तो इसने इसको ऑक्सीडाइज करवाया, यानी कहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करो, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो मतलब क्लोरीन कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लस सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया उसने फोर्स किया कि क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो सोडियम कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम हो रिएक्शन के अंदर, सोडियम हो तो ऑक्सीडाइज रहा है, लेकिन साथ वाले को एज एजेंट बोला कि तुमने वो इलेक्ट्रॉन फोर्स किया कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? ये एज एजेंट है। बस अगर तुम्हें याद ना आए तो तुम्हें ऑक्सीडाइज रिड्यूस का तो पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज हो रहा है, जीरो से प्लस वन जा रहे हैं, जीरो से प्लस वन जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जीरो से माइनस वन जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है मतलब रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस पे मजीद कुछ एग्जाम्पल्स करते चले जाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन लिखा है Fe2O3 प्लस 3CO, Fe2O3 प्लस 3CO टू Fe प्लस 3CO2, टू Fe प्लस 3CO2। अब रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का लेक्चर अभी जहन में रखो, क्योंकि हमें
आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी फाइंड करना पड़ सकता है, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल में नहीं है। ये टेबल तो आपके जर्नल में छपा होना चाहिए ये वाला। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल में नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ईजी है, हमने किया था। Fe2O3 में मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल में डायरेक्ट पता, दैट इज -2, बट आयरन का नहीं पता, और वो निकालना कौन सा मुश्किल है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू 0, हमने पढ़ा था। तो यहां से जरा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ये आएगा 2Fe, ठीक है, यहां से 2Fe प्लस 3O, नंबर ऑफ एटम आपको पता ना फ्रंट पे आते हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 होता है। अगर इसके ऊपर आयन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, यहाँ पे आयन होता, तो पढ़ा है ना कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन देयर कॉम्प्लेक्स आयन, तो मैं चार्ज को लिखता है इक्वल टू 0 ना लिखता, लेकिन ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैं इक्वल टू 0 लिखूंगा इसको। मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसाइड करने में, कि किसका इंक्रीज हो रहा है किसका डिक्रीज हो रहा है। उसका बड़ा आसान तरीका है, आयरन के यहां से फाइंड कर लो, ये है आपके पास 2Fe प्लस 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 2Fe माइनस 6 Fe प्लस 6, यहां से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड कर लो, ये 6/2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। जी जनाब, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है प्लस 3, अब इसको जहन में रखना है, ठीक है जी। Fe2O3 के अंदर तो मैं यहां लिखने लगा हूं प्लस 3, 2 का प्लस 3, याद रहे नंबर ऑफ एटम यहां पे हैं 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है प्लस 3, और ऑक्सीजन का तो मुझे अलग से मालूम करने की जरूरत नहीं है, ये रहा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है, तो मैं लिखूंगा प्लस 3 -2, ठीक। मैंने फिर से साबित कर दिया ये न्यूट्रल है, कैसे मिला प्लस 6 -6 0, इसके ऊपर कोई चार्ज आता तो वो चार्ज आना चाहिए था, लेकिन ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिया था, सम ऑफ अलजेब्रिक सम इसका 0 लिया था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाओ, ये है 3CO। अच्छा, यहां पे अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा हमें, बजाय तो आपकी बुक में डायरेक्ट उसने लिख रखा है प्लस 2, ठीक है, बट हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। कार्बन का हमें पता है ये CO है, हमें इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, देख सकते हो न्यूट्रल है, अलजेब्रिक सम फिर से 0 ले लो, सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 प्लस ऑक्सीजन का -2, चलो इसको क्या कर लो इस साइड पे ले आओ, तो ये हो जाएगा +2, कार्बन का आ गया जी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बड़ा इजी है, कार्बन का +2 ऑक्सीजन का -2, ये रहा टेबल से, ठीक है जी आगे बढ़े। अच्छा आगे अगर हम आए यहां पे, ये एरो है, ठीक है, आपके पास ये रहा अनकंबाइंड स्टेट फ्री स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट में फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होता है 0, यहां आ जाएगा 0, जब भी आपको अनकंबाइंड फ्री स्टेट मिले तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अब इधर आ जाओ, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख ले, चलो वो भी देख लेते हैं, C+2O इक्वल टू 0, फिर C+2 इंटू -2 इक्वल टू 0, फिर C=C-4 इक्वल टू 0, C=+4, तो जी जनाब यहां पे आ चुका है +4 और यहां पे आ चुका है +2 इंटू -2, दो एटम थे ऑक्सीजन के और -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर से +4 -4 इक्वल टू 0, समझ आ रही मेरी बात? यस सर। अच्छा आप जरा इंक्रीज डिक्रीज के चक्कर में बात करते हैं जी, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखता है कि जी कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखते हैं बाकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट उसका इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं सिंपल अभी कार्बन की बात करूं, वन बाय वन बात करते हैं जनाब, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट
देख सकते हो कि वो बढ़ रहा है प्लस टू से प्लस फोर की तरफ, वो जा रहा है प्लस टू से प्लस फोर की तरफ, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है? दूसरे को क्या करने पे मजबूर करता है? रिड्यूस्ड। तो कार्बन यहाँ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो प्लस टू से हम जा रहे हैं प्लस फोर, हो रहा है इसका इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब आयरन की बात करते हैं। दिस वन आयरन जो है यहाँ पे, आयरन Fe जो है सिंबल है उसका, ठीक है। प्लस सिक्स से जा रहा है जीरो पे, डिक्रीज, ठीक है। टू थ्री जार सिक्स, प्लस सिक्स से जा रहा है जीरो पे, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो आयरन ने एक्चुअली कार्बन को क्या बोला? तुमने रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होना है, फोर्स किया इसको, तो आयरन खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या कहा? जो केमिकल रिएक्शन में रिड्यूस्ड हो वो एक्चुअल दूसरे को ऑक्सीडाइज एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, जो रिएक्शन के अंदर रिड्यूस्ड हो वो दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे फोर्स करता है बनने पे, और जो ऑक्सीडाइज्ड हो वो दूसरे को रिड्यूसिंग एजेंट बनने पे फोर्स करता है। तो यहां कार्बन ने एक्चुअल में क्या किया? कार्बन चूंकि जब बढ़ा तो ऑक्सीडाइज होने लगा, तो उसने आयरन को बोला तुमने रिड्यूस होना है, तो कार्बन ने एक्चुअली आयरन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव किया, ठीक। तो आयरन को अगर अलग से देखा जाए Fe को, तो मैंने बोला आयरन जो है प्लस सिक्स से डिक्रीज हुआ जीरो पे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इसे, बोर्ड में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज स्टैंड अप एग्जाम। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज हो रहा मतलब रिड्यूस्ड हो रहा, रिड्यूस्ड हो रहा मतलब दूसरे को फोर्स कर रहा कि ऑक्सीडाइज हो, तो ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छे। अच्छा जी, नेक्स्ट एक केमिकल रिएक्शन एक और लिखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी बात कर लेते हैं। CO प्लस टू, नंबर बी वाला CO प्लस ओ टू, सी ओ टू। बहुत अच्छे, आते जाओ मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हमारे लिए आसान होने वाला है चैप्टर। अनकम्बाइंड स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, कार्बन भी फ्री है ऑक्सीजन भी फ्री है, रूल याद करो। अनकम्बाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो, रिटर्न जीरो जीरो। आ जाओ जी कंबाइंड स्टेट पे, मुझे ऑक्सीजन का तो इस टेबल से बड़े अच्छे से पता, ये लो जी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, कार्बन का नहीं पता, तो कार्बन का इत्तेफाकन मैंने CO2 का यहाँ पे शायद कर रखा है, कहीं पे है, इससे पहले यूज हुआ था, फोर कहाँ पे है? यस दिस वन, CO2 का यहाँ पे कार्बन प्लस फोर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस फोर, इसको मैं कर लेता हूँ 2 into minus 2, oxidation state है, oxygen का minus 2, दो इसके atom है, फिर से neutral, कैसे वाला? plus 4, minus 4, 0. अब जरा बात करते हैं carbon की, अगर तुम अलग से carbon की बात करो, तो carbon हो रहा है 0 से plus 4, यानी और वो हो रहा है oxidized, increase in oxidation state, तो वो oxygen को कह रहा है कि तुमने reduce होना है, यानी तुमने electron gain करने, वो अपना अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है तो ऑक्सीजन को बोलेगा तुम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करोगे, वो उसे फोर्स करता है ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने में, समझ रहे हो? तो ये जो फोर्सिंग करना है दिस इज नथिंग बट एज अ एजेंट, एज अ एजेंट, ठीक है। तो कार्बन को देखो, जीरो से प्लस फोर हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन को अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन यहां से हुआ जीरो से माइनस टू, यानी डिक्रीज। तो अगर तुम गौर करो फिर से कर सकते हो, फ्रेश हो रहा है कार्बन ने, अगर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया तो ऑक्सीजन को फोर्स किया कि वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करे, ठीक। तो इंक्रीज करने से कार्बन हुआ ऑक्सीडाइज्ड, हुआ तो ऑक्सीडाइज्ड। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, तो कार्बन हो रहा है, नो डाउट,
लेकिन ऐसे एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे? अच्छा तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड और यहां पे ऐसा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहां हो रहा है डिक्रीज कर रहा है रिड्यूस्ड, ये सोडियम को ये सात वाले को क्या बोल रहा है कि तुम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओ। सात वाला कहता है अच्छा मैं बढ़ाता हूं तुम कम करो, तो ये बढ़ाता है इंक्रीज, ये बढ़ाता है डिक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडाइज्ड यानी रिड्यूसिंग एजेंट। सात वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है यानी ये रिड्यूस, रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सात वाले को कह रहा है कि मैं अगर कम कर दूं तो तुम बढ़ाओ, समझ रहे? एक दूसरे को फोर्स करते हैं ये रिएक्शन में, ठीक है? तो ये रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मजीद कुछ एग्जांपल्स इस पे करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, जनरली हम उसमें बताते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। WO3, W यहाँ पे कोई जनरली कोई एलिमेंट नहीं है, एक सिंपल एक सिंबल लिया है वैसे जनरल, प्लस 3H2। ठीक है जी। अच्छा चलो आ जाओ मेरे साथ। बात यह है कि ये है कंबाइंड स्टेट, ये है फ्री स्टेट, ये है फिर से फ्री स्टेट, ये है कंबाइंड स्टेट। जितने फ्री स्टेट्स हैं बगैर किसी सोचे समझे उसके ऊपर तो डायरेक्ट लिख दो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ठीक है? फ्री स्टेट पहला, फ्री स्टेट दूसरा। यहां कंबाइंड स्टेट कौन है? WO3 और 3H2O। अब मुझे यहाँ पे W को तो पता ही नहीं है किस सिंबल का है, कौन सा एलिमेंट है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में। सो वेरी इजी, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये सिंपल आयन है। सिंपल आयन है तो उसका अल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर है? जीरो। तो आ जाएंगे WO3 का, WO का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। WO प्लस 3 - 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ऑक्सीजन कौन है? -2 ये लिख रखा है मैंने, -2। मैंने कहा था ना इस टेबल से आप अपनी जिंदगी भी और केमिस्ट्री भी आसान बना लेंगे, इस टेबल को याद रखें केमिस्ट्री आसान। W is equal to -6 +6 बल्कि यहाँ पे आ जाएगा -6, दूसरी साइड पे जाएगा +6, ठीक है ना? मैंने डायरेक्ट किया है, लेकिन W -6 equal to 0, 3 to 6 -6 equal to +6, तो यहाँ जरा लिख लें +6। ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, एटम है 3, तो ये हो जाएगा 3 × -2। एक तो न्यूट्रल साबित हो रहा है, देख लो +6 - 6 0, न्यूट्रल आ गया। अच्छा इस तरफ आ जाओ, जरा H2 के अंदर बात करते हैं। अब मुझे ये तो पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है सीधी सीधी तरह -2, और हाइड्रोजन का भी पता है मुझे, मैंने लिख रखा है दैट इज +1, तो ये आ जाएगा 2 × +1। फिर से 2 - 2 0, न्यूट्रल साबित हो गया। अच्छा ऐसे करते हैं, अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले W की बात करते हैं, अगर तुम W की बात करो तो यहाँ पे तुम थे +6, आ किस पे चुके हो? 0 पे, यानी +6 पे चले गए हो, 0 से +6 से 0 पे चले गए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यस डिक्रीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज कौन होता है? रिड्यूस्ड। रिएक्शन में जो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये W कंफर्म साथ वाले को कह रहा है कि तुमने होना है ऑक्सीडाइज्ड, तो W यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या बताया था स्टार्ट में, केमिकल रिएक्शन में जो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा हो वो एक्चुअल में होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? तो ये हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूस मतलब ये होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अब नेक्स्ट उस पे आ जाओ, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का बजाहिर नजर आ रहा है कि आप जीरो से जा रहे हो +1 पे।
अगर इसने अपना इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया तो हाइड्रोजन ने लाजमी इंक्रीज किया होगा, क्योंकि इसने अगर हाइड्रोजन ने इसको फोर्स किया डब्ल्यू पे कि तुम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करो, रिड्यूस करो, तुम रिड्यूस हो जाओ, तो असल में हाइड्रोजन ने इसको रिड्यूसिंग एजेंट बनाया, तो ये डब्ल्यू हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगा, ये कहेगा कि तुम अच्छा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओ, ये बढ़ाएगा और इसने बढ़ा दिया जीरो से प्लस वन, तो हाइड्रोजन यहाँ कौन हुआ? यस रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ रहे हैं आप लोग? रिएक्शन के अंदर जो सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो सेल्फ दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एक और आपके पास, 2s plus Cl2, चलो जी 2s plus Cl2, बताइए S2Cl2। आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई करो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सबसे पहले फ्री स्टेट है, अनकंबाइंड स्टेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जीरो जीरो जीरो। अब हमें क्लोरीन को अगर हम देखें, यहाँ क्लोरीन कहीं है आपके सामने? नहीं है। है क्यों नहीं है? ग्रुप 7 है, माइनस 1। क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7 और क्लोरीन जो है वो माइनस 1, तो यहाँ तो सीधी तरह लगा दो 2 × −1। अब तुम्हें एक तरीका बताता हूं, अगर ये 2 × −1 है तो चूंकि ये तो न्यूट्रल है तो सल्फर को कंफर्म क्या होना पड़ेगा? प्लस 2। सल्फर को क्या होना पड़ेगा? प्लस 2 जी। तो अगर आप वजाहत देखो तो सल्फर क्या है? सल्फर ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दिया है 0 से +2 और क्लोरीन ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया 0 से −1, ठीक है 0 से −1। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिड्यूस्ड और दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा? जो इटसेल्फ रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा हो और साथ वाले को ऑक्सीडाइज करे, जो इटसेल्फ रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा हो साथ वाले को ऑक्सीडाइज करे। नेक्स्ट 2Na+Br2, 2Na+Br2 ये बराबर है 2NaBr। चलो जी वंस अगेन एक ऐसा एलिमेंट आ चुका है जिसका स्टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा, ब्रोमीन। ब्रोमीन आ चुका है हमारे पास, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। सोडियम का तो तुमको पता है ना, दैट इज बिलोंग टू +1। लोग ग्रुप 1 ऐसे बिलोंग करता है, हम सोडियम ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां फाइंड कर सकते हैं NaBr। चलो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज इक्वल टू 0, मुझे Br का फाइंड करना है। ये है +1 प्लस Br इक्वल टू 0, ये इस तरफ आ जाएगा तो Br इक्वल टू -1। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है जनाब -1। अनकंबाइंड स्टेट में है सोडियम और ब्रोमीन, ये भी 0 ये भी 0, ये आपके सामने है +1, ये आपके सामने है -1, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं सोडियम क्या कर रहा है। सोडियम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, मतलब वो ब्रोमीन को कहेगा तुम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करो, फोर्स करेगा उसको, ठीक है। यानी 0 से जा रहा है +1, 0 से +1 मतलब ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यस ये ऐसा एक्ट करेगा सर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन जी जनाब क्या कर रहा है? ये सॉरी ब्रोमीन है यहाँ पे, ठीक है, आल्सो बिलोंग टू ग्रुप 7, 0 से −1 डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस्ड, ठीक है, डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। एसएफ रिड्यूस हो रहा हो रिएक्शन में,
तो साथ वाले को एक्चुअल में कर रहा होता है ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ये यहाँ पे है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गई बात? यस सर। इसी लेक्चर को हम समराइज करते हैं बिल्कुल एक लास्ट बात से, और एक लास्ट समराइज बात से, और ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, साथ वाले को रिड्यूस करे, और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा होता है जो खुद तो क्या हो। देखें फिर से रिवाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा होता है जो रिएक्शन में खुद रिड्यूस हो रहा हो, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करे, और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा होता है जो इटसेल्फ रिड्यूस हो, साथ वाले इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो, साथ वाले को रिड्यूस करे। ठीक है, समझ आ गई? दिस इज द लेक्चर फॉर यू। थैंक यू।